हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट दो तीर तिलोनिया की अभ्यास एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है, इक प्रत्यय लगाने से शब्द के पहले वर्ण में परिवर्तन होता है। हमें निम्नलिखित शब्दों में इक प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाना है। तो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, इक प्रत्यय लगाने से शब्द का जो पहला वर्ण है उसमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि पहला शब्द है यहाँ पर, सॉरी पहला अक्षर है यहाँ पर वी, तो जैसे ही हम इसे एक प्रत्यय लगाएंगे तो यह चेंज हो जाएगा, विश्व का बनेगा वैश्विक, विश्व का वैश्विक। नेक्स्ट है संस्कृति, संस्कृति का फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट अक्षर चेंज हो जाएगा, इसका बनेगा सांस्कृतिक, संस्कृति का सांस्कृतिक। वैसे ही परिश्रम, परिश्रम में जैसे ही हम एक प्रत्यय लगाएंगे इसका फर्स्ट वर्ण चेंज हो जाएगा और बनेगा पारिश्रमिक, पारिश्रमिक। नेक्स्ट है सिद्धांत, सिद्धांत का बनेगा सैद्धांतिक, स के ऊपर दो मात्राएं अ की, सिद्धांत का सैद्धांतिक। भूगोल का भौगोलिक, मुख का मौखिक। जब भी हम किसी भी शब्द में इक प्रत्यय लगाते हैं तो उसका पहला वर्ण चेंज हो जाता है, जैसे कि विश्व का वैश्विक, संस्कृति का सांस्कृतिक, परिश्रम का पारिश्रमिक, सिद्धांत का सैद्धांतिक, भूगोल का भौगोलिक, मुख का मौखिक। अब हम एक्सरसाइज नंबर टू देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शब्द पर ध्यान दें। अंतर्राष्ट्रीय शब्द में इसमें ट के नीचे र लगा है। अंतर्राष्ट्रीय शब्द में जो ट है, राष्ट्रीय में ट है, ट के नीचे र लगा है, इस परंतु उसका रूप बदल गया है, क्योंकि र को हम सिंपल र में भी लिखते हैं, नीचे नीचे लगाकर भी लिखते हैं, ऊपर र के रूप में भी लिखते हैं और शब्द के नीचे भी लिखते हैं। र ही एक ऐसा व्यंजन है जो कि अलग अलग रूपों में वर्णों के साथ लगता है। र के विभिन्न रूप है, जैसे कि पहला है, यदि र किसी स्वर सहित व्यंजन से पहले आता है तो उसको ऊपर लगाते हैं, जैसे कि धर्म, कर्म, वर्षा। वैसे ही सेकंड है, र यदि स्वर रहित व्यंजन के बाद लगता है, ऊपर तो था स्वर सहित, यहाँ है स्वर रहित, तो वह उसको हम लिखते हैं जैसे गा में नीचे र लगा है, उग्र, निद्रा में द्र में लगा, द में लगा है, प्रकार में प में लगा है। नेक्स्ट है और रे को जब हम मिलाकर लिखते हैं तो उसका रूप ऐसे बनता है, इसको बोलते हैं ऋष्व। नेक्स्ट, स्वर रहित ट, ठ, ड, ढ के नीचे रे को हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, जैसे कि ट्रक में नीचे लगा हुआ है ट्र, ड में नीचे ड्रामा। अब हमें पाठ में से चुनकर स्वर रहित कुछ शब्द और स्वर सहित कुछ शब्दों की सूची बनानी है। तो पहला शब्द बनेगा आत्मनिर्भरता, पहला शब्द आत्मनिर्भरता। देन नेक्स्ट जिक्र, नेक्स्ट है जिक्र, देन अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, देन नेक्स्ट है निर्णय, निर्णय के बाद है केंद्र, फिर है इनफॉर्मल, नेक्स्ट इनफॉर्मल, देन ग्रामीण, ग्रामीण, देन सक्रिय, सक्रिय के बाद कार्यकर्ता, देन नेक्स्ट प्रेम, देन नेक्स्ट ऊर्जा। ये सभी शब्द हमें बुक में से ढूंढकर लिखने हैं, तो ये सभी शब्द मैं आपको बुक में से ही बता रही हूँ। आत्मनिर्भरता, जिक्र, अंतर्राष्ट्रीय, निर्णय, केंद्र, इनफॉर्मल, ग्रामीण, सक्रिय, कार्यकर्ता, प्रेम, ऊर्जा। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज है, शब्द में विभिन्न वर्णों को उनकी ध्वनियों से अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। आपको इन सभी शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है। जैसे कि दरिया है, दरिया का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो बनेगा द, में से हम स्वर निकालेंगे द प्लस ए प्लस र प्लस छोटी ई, य और आ के ऊपर चंद्र बिंदु। देन नेक्स्ट स, देन औ, देन र और देन ए, र के नीचे हलंत, स के नीचे हलंत। देन है स्वार्थ, स्वार्थ में स ऑलरेडी आधा है तो इसको हम आधा ही लिखेंगे, स से सपेरा, हलंत, व, आ, फिर र, फिर थ, फिर अ। देन नेक्स्ट है प्रेरणा, प्रेरणा में प, र, ए, अण, प, र, ए, फिर र, फिर अ, फिर अण, फिर अ। देन ग्रामीण में है गे और रा, गे और रे, पहले तो ग, पहले तो हम गे का बनाएंगे तो गे में रे, देन गे, र, फिर आ, फिर है मैं, फिर ई, बड़ी ई, फिर अण, फिर अ, फिर है क्षमा, क्षमा, ये जो शब्द है क्षमा, इसमें क्षत्रिय जो है यह एक संयुक्त, संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन क्षत्रिय किससे बनता है, के और श से मिलकर बनता है, तो हम इसको तोड़कर बनाएंगे, क्षमा में पहले आएगा क हलंत, श में नीचे हलंत, उसके बाद अ, तो उससे बनेगा क्षत्रिय, क, ष, षटकोण, देन ए, देन म, देन आ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर हमें संज्ञा के तीन भेद बताए हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। हमें पाठ में से चुनकर संज्ञा के अलग अलग उदाहरण लिखने हैं। मैं कुछ उदाहरण आपको बता रही हूँ, जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा मुंबई, भारत, तिलोनिया, गांधी जी, ये सभी शब्द पाठ में से चुनकर लिखे गए। देन नेक्स्ट है जातिवाचक। जातिवाचक में हम लिख सकते हैं स्त्री, पुरुष, तालाब, पाठशाला, गांव, संस्था आदि। देन भाववाचक। भाववाचक में उत्साह, प्रेम, चुप्पी, सुखद, अपनापन, ये सभी आ सकते हैं। चुप्पी, सुखद, अपनापन, उत्साह, प्रेम,